हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज समीर एंड यू आर वाचिंग एमएसक्यू व्लॉग्स। तो गाइस, हम लोगों ने एक वीडियो शूट किया था मस्जिद बंदर जकरिया मस्जिद के पास। वहाँ पर हम लोगों ने कुछ वीडियो शूट किया एक वीडियो शूट किया था जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट मुझसे मिस हो गया एक्चुअली। तो मैंने सोचा कि इंट्रोडक्शन पार्ट मैं अभी घर से ही आपको दे देता हूँ इंट्रोडक्शन के। हमारे साथ वीडियो में रहने वाले हैं दानिश भाई, ठीक है। और दानिश भाई हमको दिखाएंगे कुछ, एक फीमेल है, दो मेल है, कश्मीरी में और एक सोजद हैदराबादी क्रॉस में, और एक बर्बरी फीमेल और उसका बच्चा है, ठीक है। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कश्मीरी अंडुल में है या खस्सी में? ये खस्सी करा दी समीर भाई हम लोग ने। उसकी फर क्वालिटी बहुत अच्छी है, माशाल्लाह भी अच्छी सेक रहा फिलहाल। अभी फ्रेश दो दांत किया, अभी दो दांत किया इसने। हाँ। अपने पास कब से है ये दानिश भाई? मेरे पास ना लगभग साल भर हो गया है, ये साल भर से अपन पाल रहे इसको। खस्सी कराने का रीजन? वो हम लोग ऐसा शौक था कि खस्सी वगैरह बनते हैं, उस हिसाब से बनाने के चक्कर में हम लोग ने खस्सी करा दी। ओके, तो क्या क्या मिला आपको? अगर खस्सी कराया तो कुछ मिला है रिजल्ट? मिला तो नहीं फिलहाल। अच्छा, तो खस्सी करा के कितना टाइम हो गया? ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3 महीना हुआ है। 3 महीना हुआ है, ठीक है। बहुत अच्छे फर है इसके, क्वालिटी बहुत अच्छी है। बकरा दो दांत पर है, क्या वेट है इसका अभी? ये मेरे हिसाब से एक अंदाजा 40-45 होना चाहिए। 40-45 होना चाहिए। फर क्वालिटी और क्वालिटी आप देखो माशाल्लाह। अगर कोई खस्सी के अंदर इंटरेस्टेड है कश्मीरी बकरों के लिए तो आप इनसे ज़रूर कांटेक्ट करना। बहुत अच्छा बकरा है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है ये। और ये मतलब मस्ती में अभी भी वैसा ही है, अंडुल जैसी हरकत है इसके अंदर आज भी है, ठीक है। लेकिन क्या है, ये खस्सी हो चुका है, वो बकरी को देख के ये अभी भी हरकत तो इसकी है ही वैसे, क्योंकि इसको लेट खस्सी किया गया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या दिखाएंगे? वो हैदराबादी सोजद देखिए, आइए ना। बराबर ये भी अपन ने पाले अपने पास के। हाँ, खरीदे अपन ने, ये भी पाला हुआ है। ओके, अब जितने भी बकरे अपने पास 1-1.5 साल हो गए। हम्म, ये अभी फ्रेश, अभी तीसरा दांत तोड़ा है इसे। तीसरा दांत इसने किया है? तीसरा दांत किया है, अच्छे मोटे पाए का है। हम्म, सोजद क्रॉस हैदराबादी, सोजद क्रॉस हैदराबादी है। और ये अंडुले है, ये भी खस्सी, ये भी खस्सी है। इसको भी खस्सी कर दिए क्या पहले से खस्सी? नहीं नहीं, इसको खस्सी किया हम लोग, इसको खस्सी किया अपन, ठीक है। और ये तीसरा दांत किया है, क्या वेट है इसका? ये कसावा बच्चा है, मेरे अंदाजे से ये 45-50 होना चाहिए। हमने कभी वेट तो किया नहीं, गुलाबी बच्चा है। माशाल्लाह, ठीक है। 45-50 रेट हम लोग है ना वीडियो के एंड में सबका बताएंगे। अभी हम लोग बात करेंगे ये फीमेल की और ये बच्चे की। इसकी क्या डिटेल है? ये फीमेल जो है हमारे पास 1.5 साल से है। मैंने इसको लाया था कुछ दो दांत से। अभी इसने हमारे पास इसने 5 बच्चे दिए माशाल्लाह। लास्ट टाइम में इसने 3 बच्चे दी थी, इसमें अनफॉर्चुनेटली 2 पास आउट हो गए। ओके, और ये एक बच्चा है, ये मेल है, और ये जो कश्मीरी है ना, कश्मीरी, ये जो बच्चा है वो उस बकरे का है जो आप देख रहे हो। ये जो बकरा है, ये जब अंडुल था तब उससे इसको ब्रीड करवाया गया था, इस फीमेल को। हाँ। उसका ही रिजल्ट ये है, लेकिन अभी वो खस्सी हो गया है और बच्चा देखे तो माशाल्लाह पूरा उसी के ऊपर आया, फर वाला है, गुलाबी है, और गुलाबी है, थोड़ा सा ब्राउन सिंग भी कर रहा है ये माँ के ऊपर, थोड़ा नहीं कलर तो व्हाइट है, लेकिन ये जो ब्राउन वाला टेक्सचर है ये थोड़ा सा माँ का आ गया इसके ऊपर, तो ये इसकी खूबसूरती को और ज्यादा इन्हेंस करता है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। 3 महीने का है ये बच्चा, 3 महीने का ही। हम लोग फिलहाल उसको दूध पे ही रखे, हरी पत्ती उठाता थोड़ी थोड़ी, और बकरी फ्रेश 8 दांत का हीट पे है अभी। बकरी हीट पे है, हीट पे है और फ्रेश 8 दांत, फ्रेश 8 दांत पर है। अभी हम लोग बात करेंगे इनकी प्राइसिंग की। दानिश भाई क्या प्राइस हम लोग कोट कर रहे हैं अभी? कोट तो हम लोग उसका कश्मीरी खस्सी जो है उसका 18 कोट कर रहे हैं, 18,000 रुपए। स्लाइटली निगोशिएबल सब बकरों में हो जाएगा, ऐसा कोई फिक्स प्राइस नहीं है। और अपना ये हैदराबादी क्रॉस हो जाता जो, इसका हम लोग 20,000 निगोशिएबल मांग रहे हैं, और वो बकरी और बच्चे के। हैदराबादी का वेट आपने क्या बताया इसका, सोजद का? 40-45 to 50 kg के अप्रोक्स होगा, मैंने कभी वेट नहीं किया उन लोगों। अपना बकरी और बच्चे का 18 प्राइस कोट कर रहे हैं। तो आप जो नेगोशिएट बोल रहे हो, नेगोशिएट कितना हाईली नेगोशिएट होगा? हाईली नहीं, स्लाइटली नेगोशिएबल, क्योंकि साल भर हम लोग के पले में बकरे अपने घर के सेट किए हुए है, वैक्सीनेटेड पलने के बाद बकरे फिर बहुत कॉस्ट हाई हो जाता है। वैक्सीनेटेड है दोनों, वैक्सीनेटेड है, बच्चे को भी टीटी मार दी हम लोग ने। ओके, बकरी भी टीटी मार दी, बच्चा हो गया तो टीटी कर दी। ओके, तो ये सभी के सब वैक्सीनेटेड है। हाँ, और बच्ची का, ये बकरी का क्या बता रहे हो आप रेट? बकरी सिंगल बकरी तो मैं नहीं दे रहा। हाँ, बकरी और बच्चे के ही साथ में, बकरी और बच्चे का मैं 18 कोट कर रहा हूँ और स्लाइटली निगोशिएट कर दूँ। 18,000 इसका बोल रहा हूँ। हाँ। माशाल्लाह, बच्चे आप देखे, बकरी आप देखे, सारे के सारे एकदम एक्टिव है,
ग्राउंड में है हम लोग। ये ग्राउंड का नाम क्या है? ये धोबी गली मैदान बोलते हैं इसको, धोबी गली मैदान ही बोलते हैं। ओके, ये देखिए सारे के सारे वैक्सीनेटेड है और एक्टिव है माशाल्लाह, आप देख सकते हो उनकी खूबसूरत गर्माश है। नहीं वो है तो सही, मतलब कि लेट खस्सी है तो ये थोड़ा सा हरकत तो है ही इसके अंदर, ठीक है। और माशाल्लाह बच्चे आप देख सकते हो यहाँ के मुंबई क्लाइमेट में सेट है, ठीक है। और जिस किसी को भी इंटरेस्ट हो, नंबर आप ही का देना है या फैज भाई का देना है? मेरा नंबर आपका देना है, दोनों का नंबर मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा, है ना। तो नंबर मैं स्क्रीन के ऊपर दे दूंगा, जो कोई भी इंटरेस्टेड हो इनसे कॉन्टेक्ट करे, जो भी रेट ये कोट कर रहे हैं उसमें नेगोशिएट ये कर देंगे। ट्रांसपोर्टेशन जो होगा वो एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। तो ये वीडियो क्लोज करते हैं दानिश भाई, है ना। दो कौन सा धोबी गली मैदान है ये, अपोजिट जकरिया मस्जिद। अगर आप देखें तो पीछे की तरफ आप देखो वहाँ मस्जिद दिख रही है, जकरिया मस्जिद के ही गली में है हम लोग, अपोजिट में मस्जिद बंदर स्टेशन के पास धोबी गली के अंदर, ठीक है। तो ये वीडियो क्लोज करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।